कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अगर फ्लोइंग वाटर फाउंटेन हो तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर में खुशियाँ और प्यार बढ़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे घर में गुड लक और पॉजिटिविटी आती है, और वाटर फाउंटेन को अपने घर में लगाने से हमारे घर की सुंदरता तो बढ़ती ही है, सुख शांति भी हमारे घर आती है। तो क्यों ना आज हम घर की कुछ चीजों का यूज करते हुए घर में ही बिल्कुल जीरो बजट में वाटरफॉल फाउंटेन बनाएं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक, ऐसे ही तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें और डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिना खर्च के जीरो बजट में आप ये वाटरफॉल फाउंटेन घर पर ही बना सकते हैं, बस कुछ चीजों के साथ। इस तरह का फाउंटेन बनाकर आप अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं, और दिखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। साथ में गिरता हुआ पानी कानों को सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसे गार्डन के एक कॉर्नर में या कहीं पर भी जहां सूट करे, एक जगह तय कर ले, वहां लगा सकते हैं। मैं यहीं पर अपना वाटर फाउंटेन लगाने वाली हूँ। अब ये देख लेते हैं हमें क्या क्या चीजें चाहिए। वाटर फाउंटेन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही कम समय में, अगर आपके घर में ये चीजें उपलब्ध है तो। यहाँ एक यूज मटका ले लिया है जो 2-3 साल पुराना है, अब यूज में नहीं है। इस टाइप के पॉट्स या मटके आपको नर्सरी या फिर गर्मी के दिनों में तो सड़क के किनारे वेंडर्स ठेलों पर खुद ही लेकर आते हैं बेचने के लिए, या आपके घरों में ही पुराना मटका जो अब इस्तेमाल में नहीं है आप यूज कर सकते हैं बजाय फेंकने के। यहाँ मैंने एक यूज मटका ले लिया है जो 2-3 साल पुराना है, अब ये यूज में नहीं है, तो इसे गार्डन में यूज करने का सोचा है। मैंने इसे पेंट कर लिया था ब्लैक ऑयल पेंट से, और इस पर ये एमसील की सहायता से इस तरह से फूल और पत्तियां बना ली थी। एमसील से गुलाब की फूल और पत्तियां बनाना बहुत ही आसान है, और इसे फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं और अन्य कई जगह उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने ये पूरी तरह से तैयार कर लिया था और फूलों और पत्तियों को पेंट भी कर लिया था। तो ये पॉट रेडी है। इसके साथ हमें एक टब की जरूरत पड़ेगी जहां पर पानी कलेक्ट होगा। यहाँ मैंने एक छोटा टब ले लिया है और इसको मैंने ब्लैक पॉलीथीन से रैप कर दिया है ताकि दोनों मटके और टब का एक ही कलर हो। ऐसे जरूरी तो नहीं है पर फिर भी मैंने ऐसे ही कर दिया है, थोड़ा अच्छा दिखने को। पता नहीं अच्छा दिखता है या नहीं, आप ही बताना कमेंट करके कि कैसे बना है। ये एक सबमर्सिबल पंप है, आप कूलर पंप भी कह सकते हैं या फिर फिश टैंक में भी ये पंप काम में आता है। इस तरह के सबमर्सिबल वाटर पंप आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल शॉप पर 100 से 300 रुपए में मिल जाएंगे, या फिर फिश टैंक के शॉप पर भी मिल जाएंगे, या ऑनलाइन अमेजोन से भी आप मंगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज रह गई है, वो है ये पाइप। इसे लेवल पाइप भी कहते हैं। ये पाइप हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगा। ये पाइप भी घर पर एक्वागार्ड की मशीन के लिए मंगाया था, उसमें से एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो उसे भी यूज कर लूंगी। यहाँ मटके में एक होल कर लेंगे ड्रिलिंग मशीन की सहायता से ताकि पाइप उसमें से हम डाल सकें। यहाँ मैंने मटके में एक होल कर लिया है और पाइप अब उसमें डाल देंगे। अब इसको एमसील की सहायता से पैक कर लूंगी अच्छे से। आप इससे बड़ा पाइप ले सकते हैं, ज़्यादा एमएम का पाइप जो अक्सर हम नलों के लिए यूज करते हैं, ये पाइप ले सकते हैं। ये मेरा सेटअप है जहाँ पर अपना वाटरफॉल फाउंटेन सेट करने वाली हूँ। तो ऊपर में इस तरह से मैं मटका रख दूंगी।
उसको अच्छी तरह से सेट करते हैं ताकि गिरे ना। और यहाँ पर नीचे मैंने टब रख दिया है। वाटर पंप को टब में डालेंगे, पाइप को पंप से अटैच करेंगे। यहाँ पर पाइप पंप पर अटैच हो गया है। स्विच ऑन करेंगे और यहाँ हमारा वाटरफॉल फाउंटेन रेडी है। थोड़ा सा इसे डेकोरेट कर लेंगे। और वाटर फाउंटेन घर के घर में जीरो बजट में तैयार हो गया है ना, बहुत ही आसान। आप भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और क्या आपने कभी ट्राई किया है फाउंटेन बनाने का, या आपके घर में भी फाउंटेन है, जरूर कमेंट करके बताइए। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।